कथा 1800 मसीहा 50 दशकर बार पहाड़ जंगल भितर बेल धूली और सुनामुही पर्वत तारी भितर एक अंचल मोर्चा बंधा से समय एठारे एक भयंकर युद्ध होता आउ इंग्रेज सैन्य रक्त गाधोला वीरभूमि ब्रिटिश सैन्य बाहिनी विचक्षण योद्धा कैप्टेन वुडब्रिज जहां खंडा चोटे दिखंड होते से समय पहाड़ श्रीगिड़ा जमीदार तथा वीर सुरेन्द्र साईंकर आउ जड़े मुख्य सहयोगी जनार्दन सिंह अमृत सन्देश आज अध्याय आम स्मरण करवा से ही वीर योद्धा जनार्दन सिंह को सगर्वे ठिया बारपहाड़ पादेश पहाड़ श्रीगिडार वीरमाटी जबुड़ी धरी तार जमीदार जनार्दन सिंह वीरत्वर कहानी ब्रिटिश शोषण निज प्रजा मुक्ति देवाई पहाड़ श्रीगदा जमीदार निजर 84 मौजार ब्रिटिश विरोध में चली उलगुनार निया आज सिना जमीदारी ना कि रही जमीदार दुर्गा कोठी अधिष्ठात्री माँ समलई पूजास्थल और पूजित होर सत खंडा ढाल बर्छा आ नाना रकम अस्त्रशस्त्र जमीदार जनार्दन निजे थे अत्यंत प्रजावत्सल प्रजा को ब्रिटिश्र शोषण बचाई से निजे लड़ा सहित बारपहाड़ जंगल में घंटरा संप्रदाय द्वारा अस्त्रशस्त्र तैयारी कराई विप्लवी सुरेन्द्र साय और साथी मानू जोगाई आंदोलन को दीर्घ कालव्यापी उज्जीवित रखिथिले गाँवर जड़े बासीदा सोमनाथ पाढ़ी कहती जनार्दन थिले दुई भाई से ना खगेश्वर और फतेह सिंह सेमाने थिले सुरेन्द्र सायंकर मुख्य सहयोगी बारपहाड़ उपरे थिबा दुर्गरे सेमाने एकाठी होई रणकौशल तैयारी करुथिले आमे जदि प्रकृति देखिबा ताले ई पहाड़ सिडारे जो युद्ध हैला एई युद्ध रे सेमाने डरी गले कारण ए पर्यंत इंग्रेज मानक शासन काल रे जेते युद्ध होईछि कौनसी युद्ध रे इंग्रेज माने संपूर्ण पराजित होइनांती किंबा कौनसी सेनापति मध्ये हरिनांती किंतु पहाड़ सिडा मोर्चा बंधा एपरी एक युद्ध थिला जो युद्ध रे कि इंग्रेज माने संपूर्ण भाव रे पराजित होइथिले एवं तांकर जने दक्ष सेनापति को हरिथिले सुरेन्द्र साय और तांको साथी जनार्दन दुईटी घोड़ा रे पहाड़ श्रीगड़ी अंचल को नियमित आसुथिले घोड़ा दुईटी को मुक्त छाड़देवा पर भी सेमाने कुआडे न जाई स्थिर भाव ठिया होई रहिथिले विप्लवी एहि स्मृति को मन रखापी ग्रामवासी घोड़ार मूर्ति स्थापना जरिया श्रद्धांजलि व्यक्त करिसंती गाँ मुंडे समलई मंदिर रे पूजा करिबा परे सेमाने संग्रामी मानंकु भेटुथिले जनार्दन सिंह विद्रोही मानंकु अस्त्रशस्त्र जगाइबा घंटरा जातिर लोकंकु अणाइ गाँवें बसाइथिले सेमाने काठकु पोड़ी कोइला प्रस्तुत करुथिले और सेथिरे लुहा पथर को तरलाइ विपुल अस्त्रशस्त्र प्रस्तुत करुथिले जहाँकि ब्रिटिश बाहिनी को चिंतार कारण पलटिथिला साधारण लोकों निकट को एत परिमाणर अस्त्रशस्त्र आसुची कुआडु जापार ब्रिटिश घंटर जातिर बैकुंठ गुरु निज पूर्व पीढ़ीर गरिमामय अध्याय स्मृति बखाणी कहती जमीदार आम को आनी बसाई आवश्यक अस्त्रशस्त्र जगाई दे ब्रिटिश को मथानत करिबारे आमर बड़ भूमिका रही पथर लुहा पथर रु आम जंगल रु कोईला निजे काठ काटिकी हाणीकी कोईला करूल से कोईलार आम से पथर को तरलकर आम से आम लुहा तैयारी करी बाहर करदल से लुहारु आम कोईला देकर आम साल ये करें ताकि पिटी 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 करी ढाल बर्छा खड़ा तरवाल बंधुक बहुत एमते अस्त्रशस्त्र आम तैयारी करमर जमीदार मान को देचुँ एवं सुरेन्द्र साय जेन मान गढ़ मान को थिला साय गढ़ मान को भी आम पठेचुँ आम पूर्वपुरुषा मैंने जनार्दन को बाहिनी हाथ में साधन नथिला कि नथिला आधुनिक अस्त्रशस्त्र ब्रिटिश सेना तुलन में युद्ध प्रशिक्षण व्यवस्था भी नथिला तथापि दीर्घ वर्ष धरी सेमाने शक्तिशाली इंग्रेज फौज को नयांत कर रखिथिले बार पहाड़ रे प्राचीर निर्माण करी पहरा दिया सहित ब्रिटिश सेना उपरक तीर निक्षेप करा जमीदार जनार्दन सिंह साहस वीरत्व रणकौशल आगे किंतु असहाय थे इंग्रेज
ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଉଡବ୍ରିଜ୍ ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ନେଇ 1858 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ପାହାଡ଼ ଶ୍ରୀଗିଡ଼ା ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଉଡବ୍ରିଜ୍ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଜେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ବାରପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଲା ଘମାଘୋର ଯୁଦ୍ଧ। ବେଳ ଟୁହୁଳି ଓ ସୁନାମୁହି ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲା ମାଟି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ବାହିନୀ ଚତୁରତାର ସହିତ ଲଢ଼ି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଗୁଳି ଚୋଟରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଡବ୍ରିଜ୍। ପରେ ନିଜର ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡାରେ ମୃତ ଉଡବ୍ରିଜ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜମିଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଉଡବ୍ରିଜ୍ଙ୍କ ଶବକୁ ବୋହି ଆଣି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଭରିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସିପାହୀ ମଥୁରା ପାଣ୍ଡେ ଓ ମୃତଜା ଖାଁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଡବ୍ରିଜ୍ ମୃତ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 14 ସେନାପତି ଏନ୍ସି ୱାରଲ୍ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ବାରପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଉଡବ୍ରିଜ୍ଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ଗ ଗଠନ ଓ ପାଚେରୀରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଗର୍ତ୍ତ ଥିବା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ହରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମନେ କରି ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲି ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ କହନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଗଣର ସମାଜର ସଭାପତି ଶ୍ୟାମ କୁମାର ଭୋଇ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଏଠି ଶ୍ରୀଗଡ଼ର ଆମର ଇ ଅନୁସାରେ ଥିଲା 1840 ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକି ଯେତେବେଳେ କି ଆମକୁ ମାନେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲ୍କେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନିଆ ହେଲା 1857 ସେ କାନୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ବେଲେ ଆମର ଗଣ ମାନେ କାଣା କଲେ ସେଟା ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ତ ଦରକାର ଲାଗୁଥିଲା ବାର ବଖରାରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ମହାଜନ ଲୋକ ଥିଲେ କି ଯେନ୍ ମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନୁ ସେମାନେ କାଣ ଲୁଟପାଟ କରିକି ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ବି ଧନ ଦୌଲତ ନେଇକରି ଗଡ଼ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଇ କବାଟଟା ଗଣ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ଦେଶ ପ୍ରେମର ବିରଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଇତିହାସକାର। ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଇତିହାସ ନୀରବ। ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ଓ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଭାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 12କୁ ବୀରତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହି ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ କି।